अरे वो जो सारे लोग तुम भी चलो बड़े नो नारे लगाने का कार्यकर्ता। मेरा नाम मुनीष त्यागी है, जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी। आज गुलशन कुमार के नेतृत्व में ये ब्लॉक अध्यक्ष है, आज यहाँ पे पेट्रोल पंप पे धरना दिया गया है। जो जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम इन्होंने किया है, नैतिकता के आधार पर मोदी जी को और योगी जी को और पेट्रोलियम मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं तो राष्ट्रपति जी से कहूंगा इस तरह की नपुंसक सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, इस तरह से जो इस देश की जनता को खुश ना रख सके और जो किसान को खुश ना रखे। आज सारा किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल के रेट 100 रुपए के पार होने के लिए तैयार हैं। कहां ले जाना चाहते हैं इस मुल्क को बर्बाद करने वाली सरकार? 70 साल में इतने रेट कभी नहीं बढ़े। ये 30 रुपए का वादा करके जनता को धोखा देने के बाद सरकार में बने बैठे हैं, ये तो बिल्कुल नकारा और बेकार है। एक शेर मुझे याद आता है, अरे जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो फूल सी औलाद को, ये हुकूमत में भी औलाद बैठे हैं। इन्हें दर्द का पता नहीं है, ना किसानों के दर्द का पता है, ना व्यापारियों के दर्द का पता है, ना मजदूरों के दर्द का पता है। तो पेट्रोल पंप पे धरना किस वजह से दिया गया? पेट्रोल डीजल के बेतहाशा रेट बढ़ाने के लिए पेट्रोल पंपों पे धरना दिया गया। तो कलेक्ट्रेट में देना चाहिए? नहीं, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल यहाँ बिकता है, कलेक्ट्रेट में नहीं बिकता, इसलिए पेट्रोल पंपों पे धरना दिया है क्योंकि 100 के पार डीजल और पेट्रोल हो गया, किसान की कमर टूट चुकी है आज।